हरे कृष्ण साथियों, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एमसील से हम भगवान कृष्ण की या फिर लड्डू गोपाल की आंखें कैसे बना सकते हैं और उसे सुंदर रूप कैसे दे सकते हैं। तो यार मैं आपको बता दूं कि मैं आया हूं महू और यहां पर इस्कॉन के एक प्रभु जी हैं श्री श्री विशंबर गौर प्रभु जी। इनका जीवन पूरा कृष्ण भावना भावित जीवन है और इन्होंने अपने घर में श्री श्री राधा माधव जी को विराजित किया है। तो इनकी इच्छा थी कि जो मेरे माधव जी हैं, भगवान कृष्ण हैं, इनको काला स्वरूप दे दिया जाए। तो इस हम अभी भगवान कृष्ण के ऊपर काला पेंट हमने कर दिया है दोस्तों, ये ऑयल पेंट है। और आप भी कर सकते हैं अगर आपको भगवान कृष्ण का स्वरूप काला करना है या लड्डू गोपाल जो भी है। और अब हम उनकी आंखें बनाएंगे क्योंकि प्रभु जी की ऐसी समस्या उन्होंने बताई कि यार इनकी जो रेडीमेड आंखें हैं बार बार निकल जाती है जब हम उनको नहलाते हैं या फिर उनके ऊपर अभिषेक करते हैं तो आंखें उनकी बार बार निकल जाती है। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, तो फिर उनका एक परमानेंट सॉल्यूशन मेरे पास था एमसील वाला, तो मैं अभी वही कर रहा हूँ। तो एमसील से मैंने आंखें उनकी बनाकर चिपका दी है, लेकिन अभी प्रॉपर आंखों का शेप नहीं आया है, आप देख सकते हैं। सिर्फ मैंने एमसील चिपकाया है वहाँ पर और उसको शेप देने के लिए हम क्या करेंगे, ये कोई भी आप कटर ले सकते हैं। मेरे पास कटर नहीं था उस टाइम पे, तो क्योंकि इमीडिएट ऐसा बोला गया कि आंखें भी उनकी ठीक करना है, तो इसलिए फिर उनसे उनके यहाँ पर किचन में जो चाकू था उस चाकू से ही मैंने उनको शेप दे दिया है। आप देख सकते हैं आँखों का शेप, ये इस तरीके से शेप दे दिया है मैंने। और अब हम इसके ऊपर वाइट पेंट कर देंगे इन आँखों के ऊपर। तो कान्हा जी की आँखों के भी को भी मैंने बाद में वैसे ही आँखों का शेप दे दिया था और फिर इसके ऊपर मैंने वाइट पेंट कर दिया और फिर मैंने उसकी इस तरीके से आंखें बना दी हैं। तो देखिए हमारे कान्हा जी कितने अच्छे लग रहे हैं। और इसी तरह मैंने राधा जी की भी आंखें इसी तरह से बनाकर उन्हें सुंदर रूप दे दिया। तो देख सकते हैं श्री श्री राधा माधव जी भी सुंदर लग रहे हैं। अभी इनके वस्त्र बाकी हैं, वस्त्र पहनने के बाद ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो इस तरीके से हम आंखें एमसील से आंखें बनाकर उन्हें कलर कर सकते हैं और इस तरह का रूप हम दे सकते हैं। आप भी अपने घर पर करना चाहे तो कर सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपको एमसील के अंदर जो उसका मसाला होता है वो उसको मिक्स करके हम उसके ऊपर लगा दें और कटर से उसके आँखों का शेप दे दें और उसके बाद हम उसके ऊपर कलर कर सकते हैं। और भगवान कृष्ण को अगर हम चाहें तो सांवला रूप या काला रूप देने के लिए उनके ऊपर ऑयल पेंट का जो एपकोलाइट ब्लैक पेंट आता है वो हम कर सकते हैं। तो फाइनली हम देख सकते हैं फ्रेंड्स, उनको सुसज्जित कर दिया है हमने वस्त्र पहनाकर श्री श्री राधा माधव जी को। आप उनका दिव्य स्वरूप देख सकते हैं यहाँ पर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, श्री श्री राधा माधव की जय। तो फ्रेंड्स, मैंने इसी मंदिर में एक वॉल पर वृंदावन की जो केसी घाट की पेंटिंग है वो मैंने बनाई है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना। और ये छत के ऊपर मैंने सीलिंग के ऊपर ये वाली पेंटिंग बनाई है, एक कमल के फूल के बीच में उनकी पंखुड़ी के ऊपर श्री राधा कृष्ण की पेंटिंग बनाई है हर पंखुड़ी के ऊपर। इसका फुल वीडियो मैंने अलग से डाल रखा है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, इसका पूरा वीडियो मैंने डाल रखा है। और एक दीवार पर फिर मैंने बनाई है कुसुम सरोवर की पेंटिंग, इसका भी वीडियो मैंने डाल रखा है, आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।